बैंकों के निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। पूरे देश भर में दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल 15 से 16 मार्च तक होने जा रहा है। हम बता दें कि भारत सरकार द्वारा नए बजट में दो बैंकों के निजीकरण करने का फैसला किया गया था, जिसके विरोध में पूर्णिया के बैंक यूनियन द्वारा शुक्रवार को SBI जोनल कार्यालय गेट पर शहर के विभिन्न बैंक कर्मियों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही सरकार के निजीकरण के फैसले को रद्द करने की मांग की। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की ओर से दो दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर दी गई है। इस दौरान बैंक यूनियन के कुछ लोगों ने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों के निजीकरण को बंद करने की उनकी मांग नहीं मानी गई, तो आगे अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल किया जाएगा। इस भारत सरकार द्वारा इस बजट में दो बैंकों का निजीकरण का फैसला का हम लोग विरोध करते हैं कि दो बैंकों का निजीकरण का फैसला किया गया, और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं और जितने भी सरकार का आह्वान रहता है बैंकरों पर, उसमें आप देखिए कि निजी बैंकों का और राष्ट्रीयकृत बैंकों का क्या हिस्सेदारी रहता है, जनधन योजना से लेकर जितनी भी योजना है। तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? हम लोग सिर्फ बैंकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हर एक नागरिक की लड़ाई है। हम लोग हर देशवासी के लिए लड़ रहे हैं कि जो भी गरीब तबके के आदमी है उसको आप ही लोग मीडिया के तरफ से आप लोग इसको और विस्तारित रूप से लोगों को बताइए कि आज जो प्राइवेट बैंक है और सरकारी बैंक में उसमें क्या सेवाएँ प्रदान कर सकती है। तो हम लोग चाहे वो स्टेट बैंक हो चाहे वो CSP हो, हर छोटे से छोटे गांव में हम लोग बैंकिंग सेवा दे रहे हैं। भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की ओर जाएंगे। ये UBU के आह्वान पर पूरे देश में 10 लाख कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे दो दिन। इसमें सभी बैंक है, यूनाइटेड फोरम का है, जिस जिले में जितने भी बैंक है सारे बैंक ये दो दिन के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में रहेंगे। भारत सरकार के भारत के सभी बैंक इसमें हड़ताल में रहेंगे। अजय कुमार दास, आंचलिक सचिव, अधिकारी संघ पूर्णिया, स्टेट बैंक अधिकारी संघ पूर्णिया। आप लोग भी कॉपरेट कीजिए, आप पत्रकार भाई हैं, आप मीडिया हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम क्यों एजुकेशन करते हैं? आज यह समाचार केवल बैंक इम्प्लाई ही जानती है, उसको बात नहीं है। मेनली जो हमारा ग्रीवांसेज है, पब्लिक सेक्टर को मोदी सरकार चाहता है कि जितना पब्लिक सेक्टर है सबको प्राइवेट सेक्टर में बदल दे। हम उसको कंडेम करते हैं और विरोध करते हैं, और खास के मीडिया से हम आप लोगों से कर प्रार्थना करते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हैं, व्हाट इज अवर इशू यू नो वेरी वेल। इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूं इस चीज़ को इन डिटेल में जो हम लोगों का डिमांड है, हम लड़ते हैं आज की लड़ाई। हम नहीं कहते हैं कि हमको वेतन दो, हमारे सुरक्षा दो, हमारे मैं लड़ता हूँ पब्लिक के लिए। आज पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या योगदान है? आज जितना देश में देखते हैं हरित क्रांति, आप जाइए 69 की तरफ जाइए, 69 में भारत क्या था, हमारा बिहार क्या था, हमारा पूर्णिया क्या था, और आज क्या है? ड्यू टू पब्लिक सेक्टर, ड्यू टू बैंक राष्ट्रीयकरण। बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ रहता तो आज ये हरित क्रांति जो देखते हैं।